तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फिर से न्यू ब्लॉग। और गाइज मैं आ गया हूँ आज गांव में। भाई गांव का मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा, और देखो पेड़ों के फूल, देखो आप पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। और भाई जितना खूबसूरत आपको दिख रहा है उतना ही खतरनाक पेड़ है, क्योंकि इसके अंदर है भाई कांटे, आप देख सकते हो। ओ बहुत तगड़े वाले है भाई, देखो ये देखो भाई साहब, इस पे कोई चढ़ नहीं सकता। ये देखो कांटे, देखो हर एक टहनी पे कांटे हैं इसके, कर रखा है इसने। देखो ये देखो कितने प्यारे फूल आ रहे हैं इसके। और भाई जितना प्यारा है उतना ही डेंजर। हमेशा खूबसूरत चीज भयानक होती है, ये आपको सबको पता है कि खूबसूरत चीज है ना खतरनाक होती है। तो भाई ये खूबसूरत है लेकिन कांटे बहुत ज्यादा है, इस पे कोई चढ़ ही नहीं सकता। तो गाइज ये स्विमिंग पूल है हमारा, देसी बना रखा है ना, तो इसमें हम रोज कूद कूद के नहाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा वाला सांप इसके अंदर घुस गया। ये फोटो दिख रही होगी आपको, देखो ये मैंने उस टाइम पे ली थी जिस टाइम पे वो बाहर निकल रहा था। तो वो पता नहीं निकल गया या फिर इसके अंदर है, लेकिन अंदर सभी के डर पैदा हो गया कि यार नहीं इसके अंदर वो रहता है। तो जिस उसके बाद जब मैंने देखा उस कोने में, वो मतलब ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो जब वो ऊपर आने की कोशिश कर मैंने देख लिया, तो भाई सबने दिखा दिया मैं भाई फोटो खींच के कि देखो इसमें इतना बड़ा सांप। तो उसके बाद इसमें कोई नहीं नहाया, मनीष तू भी नहीं नहाया ना? हाँ हाँ, तो भाई देख ले, ये तो है ना रोज इसमें नहाता था, लेकिन जब सांप दिखा उसके बाद भाई फट गई सबकी, ये भी नहीं नहाता इसमें। और इन्हें इसके चारों तरफ घास हो रहा है ना, देखो चारा मतलब ये घास हो रहा है ना, इसमें रहता है वो। तो बाहर से अंदर कूद जाता है क्योंकि अंदर मेंढक है, तो मेंढक को खाने के लिए सांप ना तुरंत कूद जाता है पानी में, और पानी में पता नहीं किस तरीके से रहता है, मरता भी नहीं है। चलो गाइस आपको बताते हैं मूंगफली का पेड़, मूंगफली का पेड़ कैसे होता है। आप लोगों ने बहुत, कई लोगों ने मूंगफली, हर कोई लोग खाता है ना, तो आज आपको पेड़ दिखाते हैं। मनीष रुक 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 रुक, देखो भाई अब मनीष भाई पाड़ेगा अपना पेड़। मनीष पाड़ उपाड़, इसको उपाड़, ये देख लो गाइस, ये आती है पेड़ के नीचे मूंगफली, आप देख लो। वाह यार बहुत सारी आ रही है इस टाइम पे। पापा और साजी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मूंगफली के पेड़ में ना छीदे छीदे बीज थोड़े थोड़े डाल दिए खेत में, तो ये पेड़ भी तैयार हो गए। अब आपको देख रहे होंगे ये जो मूंगफली के ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ है ना, मूंगफली का सिर्फ छोटा पेड़ होता है, देखो ये मूंगफली का तो घास की तरह होता है पेड़। फिर जो बड़े पेड़ है ना ये दिख रहे हैं आपको, देखो ये बड़े बड़े भाई, ये सारे भुट्टे यानी कि भरड़ी का पेड़ है, मक्के का पेड़ है भाई। अब देख लो गांव में इसे लोग भरड़ी बोलते हैं, और फिर शहर में इसे भुट्टा भी बोलते हैं, देखो ये भुट्टा आ रहा है, और इसे मक्का भी बोलते हैं। तो भाई और जो तिल्ली, भाई तिल्ली का तेल तो आप जानते होंगे, कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और भाई बहुत स्वादिष्ट रहता है खाने में। तो देखो तिल्ली कहाँ पर आती है आपको दिखाता हूँ आज, तो तिल्ली इसके अंदर आती है। मनीष इसको तोड़ दिखा भाई, तिल्ली आती है इसके अंदर, आप देख लो कितनी, और देखो डिजाइन देखना आप, बहुत ही शानदार तरीके से सेट रहते हैं ये, देखो ये देखो इसके अंदर आती है भाई तिल्ली। वो काटने के बाद सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद ये ऑटोमेटिक ऐसे आगे का मुंह खुल जाता है इसका, तो फिर तिल पूरे निकल जाते हैं बाहर। तो भाई ये तिल्ली का पेड़ था, और भी कुछ बहुत सारे पेड़ आपको दिखाते हैं। चलो आज सारे पेड़ दिखाते हैं आपको क्या क्या पेड़ है, पता नहीं प्रकृति का क्या देन है ये, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो इसका मुँह से सूरज की तरफ हो जाता है। जब सूरज यहाँ निकला तो इधर, फिर धीरे 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 घूमते रहते हैं, घूमते 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 शाम, तो शाम के साइड ये शाम की साइड घूम जाते हैं। तो भाई सबसे महंगे अभी टमाटर हैं, और भाई उसके पेड़ भी हमारे पास। तो भाई गाँव की सबसे बड़ी खासियत बताओ ना, सब्जी मार्केट से लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ यानी कि हमें जो भी सब्जी बनानी है ताज़ा तोड़ते हैं और बना लेते हैं। और भाई आपको दिखाता हूँ बाजरे का पेड़, बाजरा किस तरीके से आता है। मनीष इस पेड़ को, एक पेड़ को पकड़ के देखकर, कोई नीचे कुछ हो यार, देखो गाइज ये है ना, ये पूरे अब देख लो ये पूरा पेड़ बाजरे का है। अब बाजरा किस तरीके से आता है देखो, अभी इसमें बीज लगना स्टार्ट हो गया, देखो इसमें बाजरा आएगा, और भाई पक जाने के बाद इसको हम फिर इस पेड़ को पूरे को छोड़ देते हैं और यहीं से काट देते हैं इसको इस तरीके से, और फिर मशीन से निकालते हैं, ये हो गए भैंसों का चारा। हाँ, और वो फिर नीचे की जो टहनी रह जाती है वो फिर भैंसे खाती है हमारी, जो भाई आप दूध पीते हो। गांव में है ना हम लोगों ने सारी चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि ज़मीन रहती है। जैसे एलोवेरा देख लो आप, एलोवेरा भी हमने यहाँ पे लगा रखा है, एक वो रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और उधर भी है घर की साइड, और इस पे है ना भाई जो थाई एप्पल आते हैं, थाई एप्पल बोर आपने खाया होगा, तो थाई एप्पल का पेड़ है भाई हमने लगा दिया ये, क्योंकि खा लेते हैं यार
एक तो हम पैसे दे के बाजार से लेके आए, एक अपनी ज़मीन में बो दें तो फ्री भी मिलता है और ताज़ा मिलता है और स्वादिष्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई दवाई छिड़काव ऐसा मतलब कोई सीन ही नहीं रहता ना, तो उसका तो मतलब आए कम लेकिन आता ज़बरदस्त है और स्वाद भी उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। और भाई देख लो जो भैंसे हैं ना इधर, देखो ये भैंसे बन रही है, इनका चारा ट्रैक्टर से लेके आते हैं। ये मेरा भतीजा है, अभी आया था जयपुर से, आ गए ये लोग। देखो देखो भाई इस तरीके से लेके आते हैं ट्रैक्टरों पे चारा, क्योंकि यार इतना चारा लेके कैसे आए। क्यों तो गाइज, पहले हमारा ये पुराना मकान था, यहाँ हम रहते थे, मतलब मेरे दादा ने बनाया था ये मकान। और भाई आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ, यार कहीं भाई यकीन नहीं करेंगे कि ये झूठ बात है, आपको मैं बता दूं ये कितनी गहरी है। मनीष अपनी 300 फीट, ये 300 फीट गहरा है, और इसकी चौड़ाई अगर देखें आप तो यानी कि 10x10 में होगा पूरा ना, गोल राउंड 10x में है। और ये जो है ना सीमेंट से इसको भरा दिया गया 300 फीट नीचे से। और भाई ये देख लो, जब उस टाइम पे ये बोरिंग करने की जो टू वेल होती है इसकी मशीनें नहीं थी, तो देखो ये मेरे दादाओं ने मिलके, बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको खोदा था और इसमें पानी था उस टाइम पे, तो अभी तो पानी ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हो ये 300 फीट की गहराई तक 10 फीट चौड़ा गड्ढा मतलब उस टाइम पे उन लोगों ने खोद दिया था, बहुत तगड़ी बात थी। और मिट्टी का ढेर यहाँ लगा दिया था भाई, ये हो गया था ये, लेकिन फिर उसको ना ट्रैक्टरों से इधर खेतों में फैला दिया गया। तो भाई आज इस टाइम पर किसी से नहीं खुदेगा इतना गहरा खड्डा, लेकिन उस टाइम पर मेरे दादाओं ने खोदा था भाई। उस टाइम पे ना वो लोग खाना देसी खाते थे, सारी चीज़ें ना वो शुद्ध खाते थे कोई, तो भाई उनमें ना ताकत भी थी। और ताकत की बात बताऊँ कि इतना गहरा खड्डा खोद दिया, आज किसी से नहीं खोदेगा, तो मानना पड़ता है पुराने जो लोग हैं। अरे यार क्या बताऊँ आपको, गाँव में तो मज़े ही मज़े हैं। अब देखो नींबू का पेड़ है ये ना, ये नींबू का पेड़ अपना, अब आपको नींबू दिखा दूँ। अब लोग सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो नींबू तो आए नहीं रहे, अरे आ रहे हैं यार। देखो ये देखो कंडीशन ये हो रखी है, काम ही नहीं आ रहे ना ये, सारे नींबू गिरे पड़े हैं। देखो ये देखो, अब क्या करें इतने नींबूओं को, सब ले जाते हैं गांव में, सब ले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहे। ये देख लो भाई, और देखो पेड़ पे कितने आ रहे हैं, देख पेड़ पे बहुत सारे आ रहे हैं भाई। सब देख लो भाई, साइज भी देखो नींबू की, ये देखो। और ना ये मतलब जो मार्केट में मिलते हैं वो दवाइयों से पीले किए जाते हैं ना, पका दिए जाते हैं, ये भाई पेड़ से पक रहा है। देखो अब देखो ये नींबू है ना, पेड़ पे पक गए हैं सारे, अब ये गिर जाएंगे हवा में। तो पेड़ पे पकने के बाद इसका स्वाद अगर आप देखोगे ना भाई, खट्टा मीठा स्वाद आता है बहुत तगड़े वाला। पर यार हाँ, अगर डायरेक्ट इसे खाना चाहोगे तो एक नींबू ही खा सकते हो आप, ज़्यादा नहीं खा सकते। अपने चैनल पे ना देसी ब्लॉग आएंगे, देसी ना। ये जो आपको ये बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ना, ये है ना, ये इसमें भाई गाँव में तो हम सिर्फ इसे काचरा बोलते हैं, अब पता नहीं लोगों के जितना मुँह उतने नाम, तो भाई हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ इसे काचरा बोलते हैं। देखो ये आ रहा ला, देखो एक तोड़ के लेके आ गया ये भाई। इसको ना कभी कभी कोई कीड़ा भी लग जाता है, तो ऐसे कोई नॉर्मल है बात, पर ना भी स्टार्ट हो गया। पपीते का पेड़ है भाई अपने यहाँ पे, और पपीते आने भी स्टार्ट हो गए। अब आपको दिखा देता हूँ पेड़ कैसा रहता है पपीते का। भाई कई भाई नहीं जानते होंगे, पपीते का पेड़ है ना बहुत ही ऊंची साइज का होता है, देखो बहुत बड़ा होता है। मनीष तू जाना नीचे इसके, देखो ये है ना मनीष की, तेरी हाइट कितनी है मनीष? तो भाई 5 फीट और 6-7 इंच इसकी हाइट है, सबसे बड़ा है हमारे घर में। तो भाई इससे भी बड़ा है देखो पेड़ ये, तो ना पपीते का पेड़ बहुत बड़ा है। एक ये रहा और एक वो रहा, देखो वहाँ पे मतलब खेत में है ना बहुत सारे पेड़ है। और भाई पपीते ना आना भी स्टार्ट हो गए, देखो ये आ गई। अब ये देख लो ना, अभी नीचे तो नॉर्मल आई है, लेकिन जितने फूल है ना ये उतनी पपीते आएंगे इसमें। देखो ये देखो चारों तरफ आती है, ये मान लो एक पेड़ 50 पपीते तो नॉर्मल, 50-60 पपीते तो नॉर्मल देगा। ये देख लो, और पेड़ इतना अच्छा है भाई, नीचे आने के बाद ना धूप नहीं लगती, छांव लग जाती है। देखो रास्ता कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि ट्रैक्टर जाता है ना दोनों टायरों से, तो दोनों साइड का घास तो टायर से मिट जाता है और बीच का रह जाता है। देखो भाई अपने यहाँ पे ना छोटी काचरी भी बोलते हैं इसे, ये सब्जी देसी काचरी बोलते हैं इसको। तो देखो ये सब्जी बनती है इनकी, और भाई इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी। और इसके साथ बाजरे की रोटी बनाते हैं और इसकी सब्जी बनाते हैं। और देखो मनीष तो खा भी गया, तुरंत उठा के खा गया। और ना इसको डायरेक्ट नहीं खा सकता हर कोई, क्योंकि इसके ऊपर है ना हल्के हल्के कांटे रहते हैं, तो वो गले में लग जाते हैं ना मनीष। तो कभी कभी ना इसको डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, इसको तोड़ के फिर साफ करके फिर खाओ, फिर नहीं लगेगी आपके।
और ये है ना ये काचरी, उससे बड़ी वाली काचरी बोलते हैं इसको। देखो ये कितनी बड़ी है, इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो बहुत सारी आ रखी, देखो एक आ रही, एक ये रही। भाई ये मान लो ना, गाँव में भाई सब्जी की कमी नहीं है। सब्जी जो चाहो, मन चाहे ना वो बनाओ, और है ना बनती भी अच्छी है यार, इनकी बहुत अच्छी लगती है। भाई जो गांव में रहता है वो तो सभी जानते हैं, जो बाहर रहते हैं उनको तो भाई ये कहाँ मिलेगी, मिलती नहीं है ना। और गाइस आपको बता दूं, अभी सोने के भाव में तो टमाटर ही हो रहे हैं ना, तो ये जो दिख रहा है आपको ये सीन है ना, ये भाई टमाटरों के लिए बनाया जाता है। टमाटर ऐसे ज़मीन में नहीं होते, उसके लिए पहले उनके लिए रहने के मतलब जगह बनानी पड़ती है, तो वो ट्रैक्टर बनाता है। वो मशीन गई अभी, मैं आपको दिखा था किस मशीन से बनते हैं। ये देखो इस तरीके से वो माटी को, एक दोनों तरफ की माटी को खींच के बीच में ले आती है, और इस तरीके से बनाते हैं। फिर हम इसमें पानी देते हैं ना, और पानी देने के बाद देखो इस तरीके से ज़मीन हो जाती है, फटी फटी सी हो जाती है, गीली हो जाती है ना। एक मंथ में बहुत बड़े हो जाएंगे, देखो ये रहे, इधर की साइड पूरे में लग गए हैं, देखो पानी भी दे दिया और यहाँ तक लग गया, और इधर पूरा रह रहा है, बाकी वहाँ तक लगेगा। यानी कि टमाटर आने के बाद तो भाई टमाटर के खेत में से हम जाते हैं। गाइस गंवार की फली भाई, इसकी इस सब्जी की तो पूरी दुनिया दीवानी है, गंवार की फली की सब्जी की तो पूरी दुनिया दीवानी है, क्योंकि भाई ये लगती भी इतनी प्यारी है। देखो ओ भाई, इसमें ऐसे नहीं जा सकते विकास, ऐसे है ना, इसमें ऐसे जा नहीं सकते, क्योंकि इसमें और ये पैरों में खुजली लग जाती है, तो भाई तगड़ी वाली कुचड़ चलती है पैरों में, मतलब ऐसे खून निकाल लो अगर पेड़ अड़ जाता है तो देख लो वो कितने सारे पेड़ है इसके, देखो पूरी पूरे खेत में लगा रखे हैं। ये है ना मशीन से कटेगी, मशीन से कटाएंगे इसको। और अभी है ना सब्जी भाई सी की बन रही है घर पे, बाजरे की रोटी बनने लग जाएगी और इसकी सब्जी भाई मजा आ। तोड़ के लिए क्या है भाई, आप लोगों के लिए गुवार की फली भाई रिस्की था, क्योंकि इसने ना हाफ कैपरी पहन रखी थी, तो थोड़ा रिस्की भी था घुसना अंदर। तो देखो ये लेके आया भाई, इसकी सब्जी खाओगे ना मजा आ जाएगा। और देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मेरा भतीजा है और ये दोनों मेरे भतीजे हैं। देख 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 उंगलियां दिखा रहा है, देखो ये देखो मनीष क्या कर रहा है। अब ये मशीन से कटेगा, ये मोटर बिजली से चलती है, फिर ये मशीन चलेगी, और मशीन चलने के बाद ये जो है ना ये सिस्टम, इसको उठा के यहाँ दे देंगे, और यहाँ देने के बाद भाई ये सारे काट के है ना, देखो काटने के बाद इस तरीके से कर देगी ये, देखो ऐसे ऐसे बना देती है ये, फिर ये ना भैंसे खा लेती है हमारी। और इसका सिस्टम भाई ट्रैक्टर से लगती है धार, क्योंकि ट्रैक्टर बनाता है करंट यहाँ से, आप देखिए यहाँ से ट्रैक्टर करंट बनाता है और फिर ये चल जाती है मोटर, और अर्थ ये बना रहा है, करंट वहाँ से और अर्थ यहाँ से जा रहा है, और फिर भाई मनीष दे रहा है धार। कहाँ हम लोगों का सेट है भाई, ये है ना ऑर्डर करता रहता है बैठे बैठे। और भाई जो मनीष मशीन लेके आ रहा है ना, ये सिर्फ इन लोगों के लिए खरीदी है, देखो देख कैसे देख रही है, क्योंकि इसका चारा कटता है उस मशीन से, और ये वो ना थोड़े से उसकी वो होते हैं काटने के गड़ा से बोलते हैं उसको, तो वो घिस जाते हैं, तो इस मशीन से धार देते हैं, फिर वो अच्छी कुट्टी करते हैं। देखो ये खाएगी और ये खाएगी भाई, देखो अच्छा ये दूध देने के लिए भाई तैयार हो रही है भाई, अभी ये 10-15 दिन के अंदर दूध देना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये बच्चे एक बछड़े को जन्म देने वाली है अभी ना सनू। बछड़ा नहीं पड़ा, देखो अरे तू क्यों देख रही है, तेरा बना दिले क्यों सर मारी है। क्या हुआ बोल, रुक वहां से दे जाएगी। और भाई अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो भैंसों से, तो इसके कॉन्टेक्ट नंबर देख लो आप, ये रहे बात कर लेना, फोन है कान में लगा रखा है, आपसे बात करेगी, क्योंकि ये जो शहर में रहते हैं ना उस भाई आप लोगों के लिए दूध यही देती है। आधार कार्ड नंबर है, हाँ इसके आधार कार्ड नंबर है भाई, फिंगरप्रिंट भाई सारी चीजें हैं, देखो इसका भी नंबर है, देखो आधार कार्ड नंबर, कहीं भी घूम जाए कहीं भी। भाई आप लोग जो थैली का दूध पीते हो ना, वो यही बदौलत है, देखो यहाँ से निकलते हैं वो दूध, यहाँ से भाई इनकी बदौलत है, इनकी बदौलत है सब लोगों को दूध मिल रहा है, और थोड़ी थोड़ी इनकी भी है, मेहनत कर रहे हैं दो जवानों की मेहनत है। आप देख रहे होंगे ना शहरों में लेडीजें हैं ना, मतलब बच्चों को नहलाने से भी यहाँ ऐसे करती है, कैसे नहलाएं इसको, देखो यहाँ पे हम लोगों को भैंसों को भी नहलाना पड़ता है, ये देख लो टोटल खोज हमारे 10 हो जाते हैं, 10 जानवरों को चारा डालते हैं, एक जानवर ही मान लो इतना चारा खा जाता है ना कि 10 को डालना